इसके पहले हम लोग स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग किया था, अभी हम लोग इसके पहले हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग किया था, अब हम लोग स्पाइरो कंपाउंड के बारे में उसका नेमिंग कैसे करेंगे जानेंगे। तो यहाँ पर भी रिंग फ्यूज होता है, अगर दो रिंग फ्यूज है तो उसके बाद हम लोग उसको स्पाइरो कंपाउंड करते हैं। दोनों में सिर्फ अंतर क्या है कि वहां पर क्या था, बाईसाइक्लो कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जहां पे कम से कम, जहां पे दो जो होते हैं, जैसे कि ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों रिंग के लिए कॉमन होगा, तब इसे हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है वो कॉमन होता है, वैसे कंपाउंड वैसे रिंग अगर फ्यूज हो जिनमें कि एक कार्बन एटम जो होता है वो कॉमन हो, उसे हम लोग स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। और इसका नेमिंग में भी सारे उसी तरह के रूल सारे यूज करेंगे, सिर्फ अंतर क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग वर्ड जो है स्पाइरो यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग स्पाइरो वर्ड यूज करते हैं। और जो भी ये जो कार्बन है, जैसे कि ये दो रिंग है और दोनों फ्यूज है, ये सिंगल यहाँ पे ऐसा कार्बन है जो कि कॉमन है दोनों के लिए, तो ये कंपाउंड जो हो गया टोटल ये स्पाइरो कंपाउंड हो गया, और इस वाले कार्बन को हम लोग स्पाइरो कार्बन कहेंगे। तो इसके नंबरिंग में क्या किया जाता है कि सबसे स्मॉल वाला जो रिंग होगा उसका नंबरिंग पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्गेस्ट जो रिंग होगा उसकी तरफ जाते हैं, वहां से जस्ट अपोजिट है। वहां हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग जो बड़ा रिंग होता था लॉन्गेस्ट रूट को यूज करते थे, उसके बाद शॉर्टर की तरफ जाते थे। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम लोग शॉर्टर जो रिंग होगा उसका यूज करेंगे, जिसके पास कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसका यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग बड़े वाले रिंग के पास जाएंगे, ऐसे रिंग के पास, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड के पास जाएंगे जिसके पास क्या हो, ज्यादा नंबर में हो कार्बन एटम। और यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग नंबर लिखते हैं वहां पर हम लोग डिसेंडिंग, जब बाईसाइक्लो कंपाउंड का करते हैं तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे स्पाइरो जो कार्बन होगा उसका नंबरिंग हम लोग नहीं करते हैं, जैसे वहां पे क्या होता था फ्यूज हेड पे हम लोग कभी कभी हमें क्या मिलता था, कार्बन मिलता था, तो उसका भी हम लोग क्या करते थे, ब्रिज हेड का सॉरी जो फ्यूज रहता था कार्बन, तो वहां पर जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल किया था, तो इसका हम लोग क्या करते थे, इसका भी नंबरिंग करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। जो भी स्पाइरो कार्बन होगा उसके लिए हम लोग कोई नंबरिंग नहीं करेंगे। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, फिर स्पाइरो लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में क्या करेंगे, नंबर का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे कितने कार्बन एटम है टोटल, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में कैसे क्या आता है, किस तरह का बॉन्डिंग है, एंड सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी भी हाल में हमें नंबरिंग क्या करना है, पहले शॉर्टर रिंग का देन बिगर रिंग का, कोई फंक्शनल ग्रुप कोई डबल बॉन्ड किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं देना है। सबसे पहले हम लोग शॉर्टर जो रिंग होगा साइक्लिक जो फॉर्म में होगा उससे हम लोग नंबरिंग करेंगे, उसके बाद लार्जर रिंग का नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो सबसे पहला नंबर यहाँ देंगे, इसके बगल एक क्या है स्पाइरो कार्बन से स्टार्ट के बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 8 है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पाइरो, हमें क्या करना है छोटे वाले में इस स्पाइरो कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन है उसको लिखना है, कितने कार्बन है 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो इसे लिखेंगे 3, देन इसमें कितना है 1 2 3 एंड 4, इसे हम लिखेंगे, और कितने कार्बन है टोटल 8, इसे हम लोग लिखेंगे ऑप्ट, वर्ड रूट 8 के लिए ऑप्ट होता है, सिंगल बॉन्ड है सारे तो ऑप्टेन। अब इसमें देखिए दोनों तरफ का रिंग का साइज सेम है, ये वाला जो कार्बन है ये स्पाइरो कार्बन है, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन एटम है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्पाइरो, कोई सब्स्टिट्यूशन चुकी है नहीं, देन कितने कार्बन है 2 एंड 2, स्पाइरो कार्बन को छोड़ने के बाद कितने कार्बन है 1 2, यहां पर भी 1 एंड 2, तो 2 यहां पे डॉट होता है डॉट 2, एंड देन कितने कार्बन है टोटल 5, डबल सारा का सारा क्या है सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट पेंट यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी कि क्या होगा पेंटेन,
यहाँ देखिए ये वाला कार्बन जो है, ये वाला ये क्या होगा, स्पाइरो कार्बन है, नंबरिंग है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और यानी कि ये कितना है, पहले तो हम स्पाइरो लिखें, उसके बाद क्या करेंगे, 9 कार्बन है इसके लिए नोन, और सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब देखिए ये स्पाइरो कार्बन के बाद कितने कार्बन बच जाते हैं छोटे वाले रिंग में, 1, 2 एंड 3। तो ये पहले हम लोग 3 लिखेंगे, उसके बाद बड़े वाले रिंग में इसके छोड़ के 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये नेक्स्ट देखिए, अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो ये वाला कार्बन जो होगा स्पाइरो है, यहां से हम लोग नेमिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे पहले वाले पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1, एंड 5 वाले पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। तो ये इथाइल और क्लोरो पहले आएगा, क्योंकि 1 ये अल्फाबेटिक ऑर्डर का हमेशा ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो, 1 इथाइल, नंबर एंड नेम के बीच में हमेशा क्या होगा, डैश, 1 इथाइल, स्पाइरो। यहां पे कितने कार्बन है, 1 स्पाइरो कार्बन को छोड़ के 1 एंड 2, देन 2 इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो देन 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 8। तो इसके लिए कितना, 3 इधर और 5 इधर, सारा मिला के 8 हुआ। तो 8 के लिए हम लोग वर्ड रूट ऑक्ट यूज करते हैं, सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टेन। कभी भी किसी को भी डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप किसी को हमको क्या करना, प्रायोरिटी नहीं देना, केवल क्या देखना है, जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो छोटे वाले रिंग से उसके बाद बड़े वाले रिंग को। तो यहाँ पे जो है ये स्पाइरो कार्बन है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसे अगर लिखते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन सेकंड पे है ये, तो लिखेंगे 2 इथाइल स्पाइरो, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4, देन 4 इसमें कितना है, 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के लिए वर्ड रूट डेक, और पहले और छठे पे, पहले कार्बन पे और 6 नंबर वाले कार्बन पे, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, डेक 1, 1, 6, डाई इन। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो भी हम क्या करेंगे, हमेशा स्पाइरो के बाद स्पाइरो कार्बन जो है उसके बगल वाले कार्बन से छोटे रिंग से स्टार्ट करेंगे। कितने का ये है, 1, 2 एंड 3। इधर क्या होगा, या नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉल नंबर देने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे 4, 5, 6 एंड 7। तो 4 पे मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल स्पाइरो, छोटे वाले कार्बन में कितना है स्पाइरो कार्बन के अलावा, 1 एंड 2, देन इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 7। तो 7 के लिए हम लोग वर्ड रूट हेप्ट यूज करते हैं, हेप्ट, और 5 पे क्या है, और सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा, हेप्टेन। और 5 पे क्या है, 5 पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 5, और इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल स्पाइरो 2, 4 हेप्टेन 5 ऑल, हेप्टेन 5 ऑल। ई, चूंकि यहां से क्या होता है, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं और फंक्शनल ग्रुप के पहला लेटर अगर ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ का ई जो है वो नहीं लिखते हैं।
अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये स्पाइरो है, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 6 पे, देन हम लोग लिखेंगे 6 मिथाइल स्पाइरो कितने कार्बन यहाँ पे 1, 2 एंड 3, देन 3 इसमें कितना 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 9, 9 के लिए वर्ड रूट नोन एन, तो नोन। और सारा क्या है 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 5 इन। एंड सेकेंड पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसके लिए क्या लिखेंगे 2 ओन। इस तरह से हम लोग स्पाइरो जो कंपाउंड होता है उसके लिए हम लोग नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट में और फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।